नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट सेन एकेडमी के न्यूज एंड करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज और कल की जो कुछ महत्वपूर्ण जो है घटना के साथ जो है हम आप लोगों के समक्ष जो उपस्थित हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम लोग जो चर्चा करेंगे। तो इधर हाल फिलहाल में जो है 27 सितंबर की एक डेट थी जो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, तो 27 सितंबर की डेट को जो है ध्यान में रखना है। 27 सितंबर को, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड के दौरान जो है पर्यटन उद्योग भी सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित था, तो यह जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस के रूप में 27 सितंबर को जो है मनाया जाता है। और इसी बीच जो है एक बुक आई है, विजय गोखले के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, विजय गोखले के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जो कि चर्चा में है, द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइना निगोशिएट विद इंडिया। यानी कि किस तरीके से जो चाइना एक लंबे खेल के रूप में इसको बता रहे हैं कि किस तरीके से चाइना जो है भारत के साथ जो है वो निगोशिएट करता है। तो इसी बात को जो विजय गोखले ने जो है किताब का रूप दिया है जिसका नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइना निगोशिएट विद इंडिया, ये इसकी पुस्तक का नाम है। और भी पिछले लेक्चर हम लोगों ने एक और इम्पॉर्टेंट जो है किताब के बारे में देखा था, 400 डेज, ये किसकी पुस्तक थी, चेतन भगत की, जो कि कोई ना कोई जो है अंक के साथ जो शुरू होती थी, अभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भी सवाल या इनके लिखे गए पुस्तकों से भी सवाल पूर्व में पूछा गया है। तो ये थी दो बातें, एक तो दिवस के रूप में है, दूसरा जो है पुस्तक है जो कि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप पर जो है आधारित है। एक और चीज, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी जो है करेंसी का रूप है जो कि अभौतिक रूप में जो है पाई जाती है। इसका भौतिक रूप नहीं होता है, किसी केंद्रीय बैंक का इस पर नियंत्रण नहीं होता है, किसी देश के द्वारा स्पेशली इसको जो है लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन ये विभिन्न वस्तुओं के क्रय में जो है भौतिक रूप से जो है मुद्रा के ही समान जो है मूल्य का जो है विनिमय करती है। और दुनिया के अलग अलग संगठन और देशों में इसकी मान्यता भी जो है प्राप्त हुई है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्यों जो है चर्चा में है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो चाइना के द्वारा भी इसे अवैध कर दिया गया है, और भारत भी पूर्व में जो है इसकी मान्यता नहीं देता है और अपने लोगों से, अपने नागरिकों से इसमें जो है किसी प्रकार के व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं करता है। तो चाइना और भारत दोनों ही जो है क्रिप्टो करेंसी को जो इस तरीके से नहीं मानते, हालांकि क्वाडोर के द्वारा जो है एक ऐसा देश है जिसको पूर्व में मान्यता भी दिया गया है, तो इस रूप में जो है ये क्रिप्टो करेंसी जो है हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। और आज के समय में जबकि पूरी दुनिया डिजिटली आगे बढ़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है क्रिप्टो करेंसी जो है आपके परीक्षा में जो टिप्पणी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप इस रूप में जो जानेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो है भारत के पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू को जो है IAEA का जो है में लेखा परीक्षक के रूप में जो है नियुक्ति की गई है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो है वो संगठन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। और IAEA का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, वहीं पर इसके सैनिक उपयोग या सैन्य उपयोग को जो है दूर करना है। IAEA का जो है इम्पोर्टेंस और रोल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है चाइना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रशिया और अमेरिका के बीच उत्पन्न हुए शीत युद्ध के दौर में ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस वक्त जो है निशस्त्रीकरण का दौर था कि कोई भी देश जो है अपने अस्त्रों को एक लिमिट से ज़्यादा न बढ़ाए, और उसमें भी प्रमाण जो शस्त्र थे उस पर नियंत्रण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि प्रमाण शस्त्रों के उपयोग का तात्पर्य यह है कि मानव सभ्यता का विनाश। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। ऑस्ट्रिया के जो है शहर वियना में जो है इसका जो मुख्यालय है। और हाल फिलहाल में ये इसलिए चर्चा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा कि भारत के पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू को जो है इसके अंतर्गत जो है लेखा परीक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। अगला है ब्लू फूड भी जो है हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। अब ये है कि ये कौन सा फूड है जो ब्लू फूड होता है।
पानी का रंग जो है भी ब्लू माना जाता है। तो ऐसा फूड जिसके स्रोत जो है पानी होते हैं, यानी कि पानी से प्राप्त होने वाले फूड को ब्लू फूड कहा जाता है। अब ये ब्लू फूड जो है वो जंतुओं से, शैवाल से या पौधों से प्राप्त हो सकते हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक जो है खाद्यान्न टिकाऊ प्रणाली का एक हिस्सा है और इसके उत्पादन में जो है, इसके उत्पादन में हरित गृह गैसें जो है, ग्रीन हाउस गैसें जो है वो कम मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से आए वैश्विक स्तर पर एक लेख के कारण से ये जो है ब्लू फूड जो है हाल फिलहाल में जो है चर्चा में रहा है। अगला है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना को जो है प्रारंभ हुए 4 वर्ष हो गए हैं और यह सौभाग्य योजना विद्युतीकरण की जो है एक योजना है जिसके माध्यम से जो है उन क्षेत्रों में विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां क्षेत्र पिछड़े हुए थे या जहां पर विद्युतीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो 4 वर्ष होने के कारण से चर्चा में एक उज्ज्वला योजना भी जो है प्रारंभ किया गया था। तो जो परिवार के जो है महिला मुखिया के नाम पर गैस सिलेंडर के जो है कनेक्शन से संबंधित हुआ करता था, तो सौभाग्य योजना जहां बिजली के कनेक्शन से, उज्ज्वला योजना वहीं पे आपके सिलेंडर से, गैस सिलेंडर से जो घरेलू गैस सिलेंडर से जो कनेक्शन से जो संबंधित है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और कि भारत में जो सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेंटर की स्थापना की गई है और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौरी और स्पीति जिले में जो है की गई है। ऊंचाई से संबंधित भी सवाल परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये आज और कल की कुछ ऐसी घटनाएं थी जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी। तब घटनाएं बहुत होती हैं लेकिन हमें उन्हीं घटनाओं को समझना है, देखना है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स थे कुछ महत्वपूर्ण, इसको आप लोग देखिए। पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।